रो क्यों रही हो वैसे? जो प्रैंक मतलब कि ब्रेकअप प्रैंक जो भी होता है घर से उठा के ले जाओगी करोड़ ते पल्ले अशल भी आही पल्ले नहीं रखे नहीं जोड़ की कप्पा जहन। बैक टू गाइस, मैंने व्लॉग ऐप कर दूं आप अच्छे को। तो भाई आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं एक पार्क में। तो भाई आप सोच रहे होगे मैं क्यों आया। भाई मुझे करना है आज रज्जो पर प्रैंक। अरे वाह गुड आइडिया। मतलब की ब्रेकअप प्रैंक जो भी होता मतलब चीटिंग करते हैं जो रिलेशन में भाई जैसे दूसरे के साथ कर लेते हैं वो समझ रहे हो। थोड़ा ना मैंने इतना दिमाग चलाया तो थोड़ा ये करेंगे। तो यहाँ पे आ चुका हूँ पार्क में, लेकिन भाई रज्जो को नहीं बुलाया यहाँ पे। कभी आप सोच रहे हो कि रियल में मिलने के लिए भाई मैं करूँ उनपे चेटिंग प्रैंक। मतलब कि देखो रियल में तो सब समझ जाते हैं यार, थोड़ा ना बहुत हार्ड हो जाता है रियल में करना और वो आ भी नहीं सकती। तो मैंने सोचा चलो यार थोड़ा ना चेट्स पे कर लेते हैं। और यहाँ पे ना अभी क्या करना है, हम घर से ना इतनी दूर राजघाट पे धूप खाने के लिए आए तो भाई बस क्या ही कर सकते हैं। आ जाओ भाई आ जाओ आ जाओ। एक तो हमारे कैमरामैन ना भाई इतने घटिया लोग हैं चलते नहीं है, लेकिन मजा आ रहा भाई धूप खाने में। सूरज हमारे पास पड़ रहा है। इतने क्लोज फ्रेंड में लगा के ना एक स्टोरी लगा दी थी मतलब की फेक हाथ में लड़का जो हाथ पकड़ते हैं ना तो वो ना जरूर ना मुझे मैसेज करेंगे जब भी स्टोरी देखेंगे ना, जब भी ना भाई प्रैंक ना चालू हो जाएगा। अभी भाई कुछ नहीं करते, अभी ना हम अपना राजघाट पे घूमते हैं, थोड़ा मजे करते हैं, थोड़ी धूप लेते हैं। हाँ भाई बताओ क्या बात है, क्यों भाई काले हो यार? अरे कोई बात नहीं भाई। अरे नहीं यार कोई बात नहीं, काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। मेरा कद्दू जामुन जैसा तो है। इसके लौंडा हवा में उड़ रहा है। ना मोबाइल लिया ना, सिनेमैटिक चेक नहीं कराता, लेकिन आजकल ये बहुत ज्यादा प्यारी वीडियो आ रही थी। कोई बात नहीं भाई, यहाँ पे ना देखो पब्लिक आई हुई है, आस पड़ोस की सब ना धूप खाने के लिए आई हुई, क्योंकि सर्दियों का मौसम आपको पता ही है आने लग गए हैं। तो भाई हम भी देखो यहाँ पे ना बिल्कुल सामने ना सूरज आ रहा है, तो हम भी यहीं पे बैठते हैं और थोड़ी बहुत ना धूप खाते हैं। इतने वेट करते हैं, वो स्टोरी देखें जल्दी से मेरी, फिर भाई अपना दिमाग चलाते हैं, फिर रज्जो पे प्रैंक करेंगे बहुत तगड़ा वाला। मैंने ना दानिशा ने एक फोटो ले लिया, बिल्कुल ना ऐसे लग रहा है मेरा हाथ है। कोई बात नहीं, इतना तो भाई वो पहचान भी नहीं पाएंगी, लेकिन जब स्टोरी लगेगी वो पूछेंगी तो जरूर के भाई साहब ये किसकी स्टोरी लगा दी, आप मुझे मेरे साथ चीटिंग कर रहे हो। शाबाश। ये देखो मैंने ना इंस्टाग्राम पे ना फोटो लगा लिया और इस पे ना एक फिल्टर लगा दिया जो बिल्कुल भी मेरा हाथ ना इनका दानिश का हाथ ना पहचानने में ना, ये लगा देते हैं क्लोज फ्रेंड। क्लोज फ्रेंड में ना भाई मैंने ना स्टोरी लगा दिया, वो जब भी सिर्फ मैंने ना भाई रज्जो को ही ले रखा है क्लोज फ्रेंड में, वो जब भी देखेंगी जब भी सीन केड़ा हो जाएगा आज होने वाली भाई असली लड़ाई। घर पे आ चुका हूँ, लेकिन भाई रज्जो ने ना अभी तक ना स्टोरी देखी, अगर वो स्टोरी देखेंगे ना अगर मैं मैसेज सीन नहीं करता तो डायरेक्ट कॉल कर देंगे। वैसे कॉल पे ज्यादा मजा आएगा, उन्हें ना और खिलसाएंगे मैं इनके, हाँ मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, ऐसे ऐसे बहुत सीन बहुत मजा आने वाला है। आप चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना। और यहाँ पे इतना हंगामा हो रहा है क्यों, सेल लग गई है। लो भाई सर्दियों का स्टॉक आ चुका है 500 में। नहीं भाई मजाक कर रहे हैं, हाँ ये 500 का है ना 2000 का है, जो आईडी पे मैसेज करेगा जो रेट पूछेगा उसे ही असली रेट पता चलेंगे। वो तो मैं ही बोल लेते, लेकिन भाई बहुत लो बजट में जो माशाल्लाह से बहुत प्यारा है। रिहान का व्लॉग देख कर आएगा, हम उसे अलग से डिस्काउंट देंगे। ओए होए मेरा व्लॉग जो देख कर आएगा ना उसे अलग से डिस्काउंट मिलेगा। मैं जब तो मजाक करते थे रज्जो की नहीं भी मान लेना। कौन सा वाला? नहीं ये लड़की सी है क्या, बड़ी सी है देख रहे हो भाई, और रज्जो को लड़की सी बता रहे हैं। वैसी अम्मी तुम्हें एक और बात बताऊं, रज्जो आज रोने वाली है, रियल में प्रैंक होने वाला है ना उनपे। पहले तो रुला दे रज्जो को, ये गिफ्ट कर दे। अच्छा जी चलो भाई, अम्मी ने ये भी अच्छी चीज बताई, पहले रुलाओ फिर प्रैंक करो। और सिस्टर देखो यहाँ पे ना दुल्हन बन गई है, माशाल्लाह से कितना ज्यादा प्यारा आउटफिट लग रहा है इसका। ओए ये जो भाई इसकी कढ़ाई है ना ये इतनी प्रोफेशनल है, धुलने के बाद भी खराब नहीं होती, बढ़िया लग रहा है। जिसको चाहिए आईडी पे ऑर्डर कर लो फटाफट से आके। बिस्मिल्लाह। इंतजार में ना थक चुके हैं, बोर हो गए, वो ना स्टेटस ही नहीं देख के दे रही, लेकिन जब भी देख लिया तो मजा आ जाएगा। मैंने सोची भाई इतने ना अपना खाना खा लेना, लड़की ने बनाए मेरे व्लॉग देख। अच्छा जी भाई सिस्टर के व्लॉग में देख लेना, फुल रेसिपी मिल जाएगी। अब्बू की बुलेट को कहे तो अब्बू का तप आ रहा है, अम्मी के खाने को कहे तो अम्मी का तप आ रहा है। बस अम्मी अब कॉमेंट आ रही है कि अरमान व्लॉग की भी रियलिटी चेक कराओ। हाँ चलो कल देखते हैं, अगर भाई समझ आ गई तो कर देंगे, वरना कोई बात नहीं। तू बैठा हुआ होगा, अरमान बैठा हुआ, मैं कुछ ऐसी बहुत कह दूंगी अरमान से, मतलब ऐसा लगा सोचो व्लॉग ना बना रहा तू उसका पारा ऊपर। चलो जी ट्राई मारेंगे भाई पे भी, अभी फटाफट से खाना खा लेते हैं। फाइनली आ चुके हो फ्लेट पे, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मतलब कि ना भाई रज्जो की ना बड़ी देर से ना कॉल आ रही थी कि भाई क्या हुआ, मैंने उठाई नहीं। वो तो मैंने सोचा ना पहले ना भाई कैमरा सेट कर लेते हैं फिर वीडियो बनाएंगे आराम से। देखो अभी मैं यहीं पे बैठा हूँ, फोन में ना बैटरी भी नहीं बची, टाइम दिखा देता हूँ आपको भाई। हेलो आपके सामने ना दोबारा कॉल आ चुकी है। चलो जी स्टार्ट करें भाई, करें प्रैंक स्टार्ट। मतलब कि आज ना भाई रुलाने वाला हूँ बहुत, सिस्टम पार देंगे, बहुत परेशान होता हूँ यार मैं। चलो 1 2 3 स्टार्ट। वालेकुम अस्सलाम। हाँ खैरियत, आपकी दुआएं। एक बात पूछनी थी आपसे। जी पूछो। अरे लल्ला तेरा जी, अरे लल्ला। सुई लगा रखी है हाथ में, हाथ देख के
हाथ में हाथ देके मैंने स्टोरी, मैंने तो किसी की नहीं लगाई अभी तक। बिना लगाया तो बोलूंगी नहीं। फंस गया सी है। अच्छा वो वाली, अरे वो तो फेक थी, मैंने ऐसी लगा दी थी किसी की। और स्टोरी लगाने में कौन सा धोखा चीट हो गया यार? झूठ बोल रहा है भाई, धोखा होता है स्टोरी लगाने में? होता है। बैक की ये कौन सी बात हो गई? धोखा नहीं कर रहे, चीट तो कर रहे हो ना। अरे तू चीट, मतलब मैं तो खुद कबूल कर रहा हूँ ना कि फेक है वो, मतलब फोटो फेक हो या कुछ भी हो, लगाई क्यों? अबे भाई साहब वो ऐसी लगा दी, मेरा जी कर रहा था, तुम मिलने ही नहीं आती। सही है भाभी, सही है, रियल फोटो है वो। क्या है अरे तो जब भी तो मैंने क्लोज फ्रेंड में लगाई है, लोग देखेंगे नहीं। आज के बाद ना लगा मत देना, स्टोरी बता रही हूँ। अबे भाई जब मैं कह तो रहा हूँ फेक है वो, तुम तो रियल ले रही हो, तुम सीरियस समझ रही हो। अरे फेक हो या कुछ भी हो, लगाई क्यों? ऐसी लगा दी, दिल कर रहा था, तुम मिलने नहीं आती, तुम्हारे साथ का मेरा फोटो ही नहीं, इसलिए मैंने फेक लगा दी। और तो फोटो नहीं है तो किसी का भी फोटो लगा लो गाइस, फोटो आके। जब भाई तुम मिलने नहीं आती, दिल कर रहा था, मैंने लगा दी। और क्या, आज के बाद ना स्टोरी मत लगा देना किसी की भी। बोलो कोई स्टोरी से लग रहा है, बता रही हूँ आखिरी बार। क्या आखिरी बात, मतलब कि क्या आखिरी है? पहली बात में भाई मैं तो ये दिल देखो दिल कर रहा था, इसलिए लगा दी। अब देखो यहाँ तो तुम मिलने आओ, तुम्हारे साथ फोटो होंगे, फिर तुम्हारी लगा दूंगा। बता हरामी हो बेटा, किस बात की शर्म? तो जब भी तो मैंने क्लोज फ्रेंड में लगाई थी, ऐसी लगा दी थी। चीट करना इसे ही कहते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यार। तो लगाई क्यों, क्लोज फ्रेंड लगाई हुई है और स्टोरी में लगाई हुई, लगाई क्यों? तुम्हें शर्म नहीं आ रही इतनी भी कि तुम्हारा मेरा रिश्ता लगा है? आनी भी भाभी से आनी थी, शर्म नहीं आ रही से। भाई मैं करूँ क्या ये बताओ? तो कुछ मत करो कोई नहीं, मैं सुना कर ली, लेकिन ओए जब भाई फेक फोटो था, अब क्या करें? फेक हो या कुछ भी हो, तो लगाना नहीं चाहिए ना स्टोरी पे। आ जी चलो जी, नहीं लगाएंगे। हाँ। तुम रो क्यों रही हो वैसे? लग रहा है मुझे रो रही हो, तुम्हारे आंसू आ रहे हैं आवाज से, ऐसी आवाज हो रही है, वरना तुम्हारी आवाज तो अलग है। नहीं मैं क्यों रोऊंगी? क्यों रोगी नहीं, तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? लगेगा बहुत, लग रहा है। हाँ तो रो फिर। अच्छी आज हो, देख लो मैं तुम्हारी आवाज से पहचान गया तुम रो रही हो। चलो जी नहीं लगाएंगे आज के बाद, वरना वो ओवर एक्टिंग नहीं करने। घर से उठा के ले जाओगी? लो जी भाई धमकी दे, ओ धमकी दे रही हो मुझे घर से उठाने की। आये हाय तुम तो बदमाशी कर रही हो, बदमाशी नहीं मित्र। भाई ये तो यूँ कह रही है कि घर से उठा के ले जाऊंगी, मैं भी साथ दूँ, उठा ले जाओ उसे। ये तुम पहले बताओ दानिश, और तुम मिले हुए हो क्या जो मुझे उठाने की बात कर रहे हो? नहीं मैं और वो क्यों मिले होते? लग रहा मुझे जब भी तो दोनों के भाभी है मेरी। अच्छा तो उठवाएगा मुझे घर से? ये देखो भाई लड़की के चक्कर बाबू भैया। रो मत चलो अब नहीं लगाऊंगा। नहीं ना मैं कह रहा हूँ ना मत रो, चलो अब नहीं लगाऊंगा स्टोरी, गलती हो गई। भाभी तुम क्या हो तो उठक बैठक लगवा दूं? नहीं ये प्यार करती हो क्या? करती हूँ, अभी तो बुरा लग रहा है। हाय अब तुम्हें एक और चीज बता दूँ? कल का ना व्लॉग देख लेना अब तुम मेरा। और तुम्हारे साथ प्रैंक कर दिया मैंने, और क्या कर दिया, कैमरा सेट लगा हुआ हमारे बिल्कुल सामने, अब तुम्हारा पागल बन चुका है। अब सुन तो लो, अब हमारी YouTube फैमिली से ये तो कहता लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर देना, कभी तुम्हारे कहने से कर देना। हाँ रज्जो ने बोली है, वीडियो को गाइस लाइक कर देना और शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब करके जाना। ये तो भाई अब तुम्हारी भाभी ने भी फाइनली बोल दिया चैनल सब्सक्राइब कर देना, तो भाई बस आपसे यही उम्मीद है कि आप भाई इस वीडियो पे ना बहुत ज्यादा मजे दिलाने वाले हो, बहुत प्यारी प्यारी कमेंट करना और ना चैनल सब्सक्राइब करके जाना, और कमेंट करके बता देना आपकी भाभी पे प्रैंक कैसा लगा। वैसे तो भाई मैं पहचान गया था कि इन्होंने ना थोड़ी सैड सैड सी हो गई, रोने लग गई थी ऐसी भाई जैसे लड़की साले। भाई ना आप ना कमेंट करके बताओ मुझे किस पे प्रैंक करना है, इसकी गर्लफ्रेंड पे करना है,
या इन पे करना है। सिंगल आदमी हूँ मैं भाई, झूठ बोल रहा। दो 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 क्या, चलो चलो खत्म करो। लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और भाई ने भी हमारी R1 भाई मोडिफिकेशन कराने गया हुआ है, जब आएगी ना आपको जब दिखाऊंगा कि कैसी करा गया। चलो जी अल्लाह हाफिज, मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज, चलो बाय बाय। कैसी लगी? फाइनली ना भाई 3-4 घंटे के बाद ना अब हमारी बाइक लेकर आ चुका। ओए होए, मुझे भाई बस किसी चीज का दुख नहीं हो रहा। इन्हें ना मेरा भाई शीशे पे से नाम हटवा दे, देख रही हो अम्मी पूरा शीशा बदलवा दिया वाला। अरे ये अलग है ना, वो छोटा था ये बड़ा, लेकिन जो बात है प्यारी लग रही है। देखो भाई कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन करा का है, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे बुरी बताऊं क्या लग रही है, जो इसमें ना कलर जल लेना बार बार, ये बहुत बुरे लग रहे हैं। कोई नहीं, सिंगल कलर भी हो जाएगा तुम्हारा भाई, तो भाई सिंगल करके चलाएगा। बाकी आप लोग ना कॉमेंट करके बता देना गाड़ी कैसी लग रही है। और लाइट देखो कितनी ज्यादा हार्ड लग रही है, मजा आ गया जी। भाई अपनी न्यू बाइक पे ना दोबारा से न्यू हो चुकी है मॉडिफिकेशन की, मतलब की अब चलो इसका ना फर्स्ट राउंड मार के आते हैं कि गाड़ी कैसी चल रही है। वैसे तो गाड़ी में कुछ नहीं हुआ है, मजा आ गया। बस आप लोग ना भाई कॉमेंट करके बता देना, इसके साइड में भी आ चुकी है, यहाँ भी आ चुकी है और इधर भी आ गई। गाड़ी में ना कुछ भी अलग नहीं लग रहा भाई, जो वाइजर चेंज हुआ है ना इससे ना थोड़ी ना फील से अलग आ रही है, क्योंकि ना ये वाइजर वाला जो हमारा पहले वाला था वो तो छोटा, और ये ना थोड़ा ना लंबा सा हो चुका। और इस नीली लाइट की वजह से जो यहाँ पे लग रही है कैमरे में ना, देखो क्लियरिटी भी पता नहीं कैसी आ रही है। ये देखो यहाँ से ना बंद हुआ दिया। अरे भाई सारी बंद हो रही है, लेकिन वाली वाली बंद नहीं हो रही है, हमें तो ये बंद करनी है। चलो कोई बात नहीं भाई, वैसे तो लाइट रात में चलाएंगे, रात में हम गाड़ी पे भी लोग बनाते नहीं, दिन में ही बनाते हैं। कोई बात नहीं भाई, आप कमेंट कर देना हमारी बिल्लो रानी का न्यू लुक कैसा लग रहा है। सबसे ज्यादा प्यारी ना भाई मुझे इसका ना ये लग रहा है, ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। आगे का देखो ना इसका कुछ ना लुक ऐसा हो चुका फुल डेंजर वाला। बस आप लोग कमेंट करके बता देना कैसी लग रही है। और अंदर जो इसकी भाई लाइट होती है, इस पे भी भाई लाल लाइट लगवा के आ गया, ये जब जलती है ना जब जलेगी। और देखो पूरे पे ना भाई गोल्डन गोल्डन नट लग रहे हैं, काफी ज्यादा अच्छी लग रही है मुझे तो, लेकिन बस पीछे की लाइट अच्छी नहीं लग रही है। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो भाई अब ऐसे चलेंगे। ओ मेरा नाम यहाँ पे रखा हुआ है, मैंने तो देखा ही नहीं भाई, बड़ा दुख हो रहा, मेरा नाम छूट चुका है बाइक पे से। चलो जी फटाफट से ना कमेंट बोल देते हैं। पहला कमेंट है सान वंस मोर, नहीं भाई अब नहीं कर सकते भाई, अब्बू पे प्रेम क्या पता, अब तो भाई सही में हड्डी वड्डी एक हो जाए। तो दूसरा कमेंट है सान सैफी, यान जी सॉन्ग सुनकर बहुत लोगों की मिर्ची लग जाएगी, गाना सुनकर मजा आ गया, बाय गोड शुक्रिया, और लगने दो मिर्ची। और तीसरा कमेंट है आयशा, आप तीनों बहन भाइयों की सबसे बड़ा सपोर्टर आपकी अम्मी है। तो अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मिलने एक डोडो में, टिल दिन बाय बाय।